Lá, baú. Biryani ki shakal to dekho. Dusre dekh ke muh mein pani aa raha hai. Kaise khile khile chawal. Saaf saaf botiyan. Aur khushboo. देखने से ही उसके देखने से ही मजा आ रहा है। चलो बच्चों, आज की पहेली बताओ। वो कौन सी चीज है जो चलते चलते थक जाती है, लेकिन अगर उसकी गर्दन काट दो तो दोबारा चलने लगती है? दादी मैं बताऊं। दादी ये मीना की गर्दन काट दो तो ये चलने लगती है। दादी ये ज्यादा बदतमीजी नहीं कर रही है? अब तुम खामोश हो जाओ, मुझे पता है इसका जवाब। दादी मछली की जब गर्दन काट दो तो वो चलने लगती है। अरे नहीं बेटा, ये नहीं है, और उसका जवाब मैं आखिर में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊं। आज मैं तुम्हें आराम के कदर की कहानी सुनाती हूँ। पुराने जमाने में बादशाह हुआ करते थे, वो पूरे हुकूमत करते थे, और जब उन्हें कहीं जाना होता था तो वो पानी के जहाजों का इस्तेमाल करते थे, और अगर कहीं कम छोटी जगह पर जाना होता था कश्ती का सफर किया करते थे। एक दिन बादशाह को करीबी जंगल में जाना था, तो उन्होंने कश्ती का इस्तेमाल किया और अपने दो चार गुलामों को बिठा कर कश्ती में सफर करने के लिए निकल पड़े। अब चलते चलते थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि एक जो कश्ती में मुसाफिर बैठा हुआ था वो बड़े डर के कांपने लगा और चीखने लगा। बादशाह को देखकर बड़ा गुस्सा आया, ये क्यों चीख रहा है? दूसरे आदमी ने उससे बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, ये कभी कश्ती में नहीं बैठा, इसने कभी सफर नहीं किया कश्ती का, और ये पानी से डर रहा है। बादशाह ने कहा, जब तुम्हें मालूम था तो उसको तुमने कश्ती में क्यों बिठाया, और इसको खामोश करो, चुप हो जाओ। ये उसने बहुत चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हुआ, और जोर जोर से जैसे ही कश्ती आगे की तरफ बढ़ रही थी वो उतना ही ज्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। बादशाह को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तरस भी आ रहा था। फिर बादशाह ने गुलाम से कहा कि कोई तरकीब लगाओ, इसको यहाँ से खामोश करो। उसने एक तरकीब सोची और ना उसको चुप कराने की कोशिश की। उसने सोचा कि जब तक इंसान को किसी चीज़ की कदर ना हो वो सही नहीं होता। लिहाजा उसने सोचा है कि मैं इसको उठा के पानी में फेंकता हूँ, जब वो पानी में डूबेगा उसे तकलीफ होगी तो फिर उसे आराम की कदर होगी। लिहाजा गुलाम ने उसको ऐसे ही किया, उठाया और पानी में फेंक दिया। वो जब पानी में फेंका वो तो और घबरा गया, गोते खाने लगा और डूबने लगा। जब डूबने लगा तो उसने चीखना शुरू किया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गुलाम दूसरे गुलाम ने उसको बालों से पकड़ कर कश्ती में दोबारा खींच लिया। जब जैसे ही वो कश्ती में वापस आया वो दबक कर कोने में बैठ गया और कश्ती को जोर से पकड़ लिया कि कहीं दोबारा उसको कोई फेंक ना दे। बादशाह को बड़ी हंसी आई, उसने सोचा कि ये तुमने क्या किया? गुलाम ने कहा, मैंने इसलिए इसको फेंका कि जब तक इंसान को आराम की कदर ना हो ना उस वक्त तक वो सही नहीं होता, लिहाजा मैंने इसे ये आराम से बैठा हुआ था ना, तो मैंने इसको पानी में जब डाला तो जब ये तकलीफ में आया तो उसे आराम की कदर हुई। इसीलिए कहते हैं कि जब तक कोई तकलीफ में ना हो उस वक्त तक वो आराम की कदर नहीं करता। देखा बच्चो, पसंद आई कहानी? इसको कहते हैं आराम की कदर। बहू खाना तैयार हो गया, मुंह में पानी आ रहा है बिरयानी सुन के, जल्दी से तैयार कर लो, हमसे सबर नहीं हो रहा। जी अम्मी, बस गोश्त को दम पे लगा रही हूँ, ये गोश्त गल जाए तो बस मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ बहू, गोश्त को सही से गला देना, हमारे वैसी दाँत बहुत खराब है, हमसे गोश्त नहीं चबेगा, नरम गोश्त होता है तो खाने में मजा भी आता है। तैयार हो जाए तो फिर जल्दी ले आना। दादी अब तो बता दे, पहेली का क्या जवाब था? वो कौन सी ऐसी चीज है कि जो क्या था दादी? हाँ याद आ रहा, एक चीज चलते चलते थक जाती है, लेकिन अगर उसकी गर्दन काट दो तो दोबारा चलने लगती है।
तुमने नहीं सोचा जवाब क्या है। चलो तुम लोगों को याद नहीं आ रहा तो मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। इसका जवाब है पेंसिल, क्योंकि जब हम पेंसिल से लिखते हैं ना तो उसकी नोक खराब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जब हम उसको छीलते हैं तो उसकी नोक दोबारा सही हो जाती है, फिर हम उससे लिखना शुरू कर देते हैं। वाह दादी, क्या जबरदस्त जवाब था, हमारे तो दिमाग में ही नहीं आ रहा था। जी नहीं, मैंने कब से अपने दिमाग में सोचा हुआ था, पर मैं बोल नहीं पा रहा था कि मैं कैसे बोलूं। अब तुम तो ऐसे ही बातें करोगे क्योंकि तुम्हें तो जवाब आया ही नहीं था ना। Thank you.